और डभरा ब्लॉक के ग्राम साराडी का होनहार हेमंत जायसवाल MBBS के फाइनल परीक्षा में शानदार अंक अर्जित कर न सिर्फ क्षेत्र का नाम रोशन किया है बल्कि जिले का नाम भी रोशन किया है। बताया जा रहा है कि हेमंत मध्यम वर्गीय परिवार का होने के बावजूद बुलंद हौसले के साथ पढ़ाई किया, जिसका परिणाम उन्हें ये सफलता मिली है। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर डभरा ब्लॉक के साराडी का होनहार हेमंत जायसवाल MBBS के फाइनल परीक्षा में शानदार नंबर अर्जित कर क्षेत्र के साथ जिले का भी नाम रोशन किया है। हेमंत जायसवाल मध्यम वर्गीय परिवार होने के बावजूद भी आगे बढ़ने को लेकर हिम्मत नहीं हारी और सन 2014 के बैच में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन होकर रायगढ़ में स्थित स्वर्गीय लखीराम मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की और 25 मार्च को फाइनल ईयर की रिजल्ट आई, जिसमें शानदार नंबरों से पास होकर क्षेत्र के साथ साथ जिले का भी नाम रोशन किया। वहीं हेमंत जायसवाल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के साथ साथ अपने बड़े भाई को दिया। आपको बता दें, हेमंत जायसवाल जिले के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट एवं समलेश्वरी हॉस्पिटल के संचालक भूमेश जायसवाल के छोटे भाई हैं। वहीं हेमंत जायसवाल का कहना है कि वे मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, पर्याप्त संसाधन नहीं था और हिंदी का पढ़ाई किया था, लेकिन उनके भैया जब मेडिकल की पढ़ाई करने रायपुर गए तभी से उन्हें प्रेरणा मिली और तभी से उनके भैया उन्हें डॉक्टर के रूप में देखना चाहते थे, जिसके बाद हेमंत ने PMT की तैयारी की, जिसके बाद उनका चयन रायगढ़ स्थित स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में हुआ। शुरू में तो हिंदी मीडियम होने के कारण समझने में उन्हें थोड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से होती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बिना किसी रुकावट के हेमंत आगे बढ़ते गए। फाइनल में MBBS कंप्लीट कर लिया और सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को हेमंत का कहना है कि वे अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और कंसंट्रेट होकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करें तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।